सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कैसरगंज थाना क्षेत्र के शेखावत गली चाइना बाजार में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक ने पैसे की लालच में आकर अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपी की पत्नी ने घटना का विरोध किया था तो उसे विरोध नागवार गुजरा, अपनी पत्नी पर धावा बोल दिया और उसे घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी युवक ने खुद पर वार किया ताकि वारदात को लूट की घटना का रूप दिया जा सके। इसके बाद आरोपी कैसरबाग थाने पहुंचा और पुलिस को लूट की घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि वादी ही असली आरोपी है, जिसके बाद आरोपी पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। ये कल दिनांक 27 अप्रैल को थाना कैसरबाग क्षेत्र में जिमखाना क्लब है उसके बगल में एक मकान है, शेखावत गली में हफीज का मकान है वो। कल थाना कैसरबाग को 100 की सूचना मिली कि उनके घर पे 3 बदमाशों ने हमला कर दिया है और उनकी पत्नी और माँ को गंभीर चोटें आई हैं, धारदार हथियार से हमला किया गया था। इस सूचना पे तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुँची और चिकित्सा के लिए जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया था और वहाँ पे हमने पहुँच करके सारा जो भी घटनास्थल का बहुत बारीकी से निरीक्षण किया, फील्ड यूनिट को बुलवा करके उनके द्वारा भी निरीक्षण करवाया गया वहाँ पे और सभी जितने संबंधित परिवार के लोग थे, आसपास के लोग थे, उन सभी लोगों से हमने पूछताछ शुरू की। आसपास के CCTV कैमरों का हमने रिकॉर्डिंग जितनी थी उसकी निकलवा करके वहाँ पर पड़ताल उसकी शुरू की। जो संबंधित लोग थे उनकी क्वालिटी साथ का विवरण भी हम लोगों ने एनालाइज किया। परिवार के लोगों से जब पूछताछ इसमें की गई कि इनके परिवार में मिला करके एक जो हफीज रहते थे, हफीज का एक पुत्र नसीर था और नासिर का एक भाई और नासिर की पत्नी और नासिर की माँ, ये लोग घर में रहते थे। कल जिस समय की घटना बताई गई उसमें हफीज और उसका एक लड़का वो अपना गोमती नगर में कैंटीन चलाता है, वो कैंटीन चलाने के लिए चले गए हुए थे 9 बजे करीब में, 8:30-9 बजे। उसके बाद से घटना हुई। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में बहुत सारी आपस में कंट्राडिक्शन इनकी जो तथ्य बताए गए उसमें मिला और विशेष रूप से जो नसीर जो जिसकी तहरीर पे मुकदमा लिखा गया था 307 और 386 IPC का FIR लिखा गया था, इनके द्वारा कई तथ्य ऐसे बताए गए थे जिसमें बड़ा ही अंतर्विरोध और विरोधाभास पाया गया। इनके द्वारा यह तथ्य भी बताया गया कि 10-15 दिन पहले इनसे किसी ने बारादरी पे रोक करके 5 लाख रुपए की डिमांड की थी किसी मकान का जो इनका विवाद चल रहा था उसके संबंध में। हेलमेट पहने हुए 3 युवक थे और वही 3 युवक इनके द्वारा शंका जाहिर की गई कि उनके द्वारा घटना ये कारित की गई है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने अपनी जो जाँच की उसमें कन्फर्म नहीं हो पाई, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इसमें जब हमारी जाँच आगे चली तो इनके और भी जो रिश्तेदार थे जिनसे इन्होंने संदेश जाहिर किया था, मकान का विवाद चल रहा था, जिस मकान में ये रह रहे थे वो मकान किराए पे था और दिल्ली निवासी एक व्यक्ति से उसका मुकदमा यहाँ स्थानीय न्यायालय में चल रहा था, जिसकी यहाँ पे उस मुकदमे की पैरवी सलमान और जावेद नाम के व्यक्ति कर रहे थे जिनके ऊपर भी इनके द्वारा संदेह जाहिर किया गया था। उन लोगों से भी तत्काल पूछताछ की गई, उनकी लोकेशन मैच कराई गई, लेकिन उनकी जो घटनास्थल के आसपास उनकी किसी की लोकेशन नहीं पाई गई और उन पर कोई उनके बारे में जानकारी सम्मिलित होने के बारे में स्पष्ट नहीं मिल पाई। इनसे जब पूछताछ की गई और अन्य लोगों से जो पूछताछ की गई उसके आधार पर एक तथ्य ये निकला कि इनके द्वारा कुछ चीज़ें जब घटना करने के बाद आज जब ये हॉस्पिटल ले जा रहे थे अपनी माँ को तो आसपास के कुछ लोग आए जिनसे प्रारंभ में इनके द्वारा कहा गया और कुछ लोगों से फ़ोन पे भी बताया गया कि उसकी माँ गिर गई हैं जिसमें उसे चोटें लग गई हैं और हॉस्पिटल में भी जा करके जो डॉक्टर वहाँ पे हॉस्पिटल में थे उनके द्वारा भी जब उनको नोट कराना था इनको क्या हुआ है क्या समस्या हुई है तो वहाँ पे भी इनके द्वारा कुछ अंतर विरोधी बातें बताई गई जिसके आधार पर इनकी स्थिति काफ़ी संदिग्ध पाई गई और जब तथ्यात्मक इनसे पूछताछ की गई तो फिर ये इनके द्वारा ये कन्फेशन किया गया कि पूरी घटना हमने ये कारित की है। इनके द्वारा जो कहानी इस पूरी घटना के पीछे बताई गई ये बताया गया कि 2 वर्ष पहले इनका एक पुश्तैनी मकान था, उस पुश्तैनी मकान को इन्होंने इन लोगों ने 26 लाख रुपए में बेचा था और वो 26 लाख रुपए परिवार में इसी नसीर के पास ही रह गए थे जिसको इन्होंने पिछले 2 साल में अपने व्यक्तिगत व्यय और कुछ परिवार के व्यय में सारा पैसा खर्चा कर दिया था। उस पैसे को लेकर के उसकी माँ नसीर की माँ ये चाहती थी कि वो पैसा जो दूसरे भाई हैं और पिता हैं उन लोगों के पास भी कुछ रहे, लेकिन इसके द्वारा चूंकि सारा पैसा अकेले खर्चा कर दिया गया था इस बात को लेकर के माँ और इसके में प्रायः झगड़ा होता था और प्रायः कहासुनी होती थी। जिस दिन कल घटना के समय भी पिता और भाई के कैंटीन चले जाने के बाद इन लोगों के बीच में आपस में कहासुनी और झगड़ा शुरू हुआ उसी पैसे को लेकर के, उसके बाद इसके द्वारा काफ़ी तैश और क्रोध में आकर के किचन में रखे हुए चाकू से चाकूधारदार चाकू रखा था उसके द्वारा अपनी माँ पे वार कर दिया गया। इसकी पत्नी उसको बचाने आई, उसी में थोड़ी चोटें इसकी पत्नी को भी आई। इसके द्वारा बताया गया है कि वो उस घटना कर देने के बाद इसके द्वारा अपने हाथ पे स्वयं कुछ चोटें भी बनाई गई। इसके द्वारा पूरा कन्फेशन इस घटना का किया गया है
और इसकी निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त चाकू था जिसको पोस्ट करके इसने घर में अलमारी में रखा हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया। उसमें भी ब्लड के कुछ मार्क लगे हुए हैं जिसको अलग से हम परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। ये पूरी घटना में अभी हमारी और गहन पूछताछ चल रही है और बाकी और जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसपी पश्चिम विकास चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक आरोपी युवक गोमती नगर के एक स्कूल में कैंटीन चलाता है। आए दिन माँ बेटे के बीच में पैसे को लेकर नोक झोंक होती रहती थी। यही वजह थी कि आरोपी ने 15 दिन पहले माँ को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।